अभी कोई भाई और अपनी बात करना चाहे तो क्या सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें और जागरूक बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। ऐसे लग रही है, जूलियत हो गई हम यार। छोड़ यार ना भाई, यार इंदर इंदर छोड़ ना उस बात को, तू आ से। ये बाड़मेर शहर में दीपावली के समय कोई मामला हुआ था, उस संबंध में जांच चल रही थी। निष्पक्षता से, राजनीतिक प्रभाव से कई संगठनों ने दबाव डाल करके उस जांच को बार बार आयु चेंज करा करके गरीब आदमियों को उसमें फंसाने की कार्रवाई की जा रही है। हम उसमें निष्पक्ष जांच चाहते हैं। अगर कोई भी दोषी हो उसमें, चाहे इसमें माइनॉरिटी वर्ग का हो चाहे सामने वाले हो, दोषियों को बख्शा नहीं जाए और गरीबों को बिना काम फंसाया नहीं जाए। सर, जो पूरा प्रकरण है इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, इस संबंध में आप ये अब पूरे हिंदुस्तान का माहौल हो रहा है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लेकर के आरएसएस के छोटे छोटे कार्यकर्ता तक ये माहौल उसमें रंग दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान के संविधान की और हिंदुस्तान के लिए ठीक बात नहीं। चाहे गुजरात इलेक्शन का मामला हो, 6 दिसंबर का दिन देख करके एक राजसंबंध में जघन्य हत्याकांड करना हो, पूरे हिंदुस्तान का जो माहौल ख़राब हो रहा है ये माहौल ठीक नहीं है। संविधान की सुरक्षा करने के लिए संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी और चौथा स्तंभ जो आपका मीडिया है, उसके माध्यम से हम हक बात करने के लिए और हक को आगे बढ़ाने के लिए, सांप्रदायिक स्वार्थ बनाने के लिए यहाँ एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से मिले हैं।